ये रहा टिकटॉक एप्लीकेशन। हेलो एवरीवन, दिस इज नीरज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एन स्क्वायर ब्लॉग। तो मैं भी प्लान कर रहा था कि टिकटॉक रखूं या नहीं रखूं। जैसे कि आप मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे कि शुड आई अनइंस्टॉल टिकटॉक, उसमें मैंने काफी कुछ बातें की। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पे आपको उस वीडियो की लिंक दे दूंगा या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख लीजिए कि मैंने क्या पॉइंट्स रखे थे, मेरे क्या ओपिनियन थे और मैंने क्यों अब तक टिकटॉक अनइंस्टॉल नहीं किया था। इस समय ट्विटर पे भी हैशटैग टिकटॉक बैन और बैन टिकटॉक, ये हैशटैग ट्रेंडिंग पे है। और अभी अगर आप जाके देखोगे ना तो टिकटॉक की जो रेटिंग थी वो 4.5 थी, बट अगर अभी आप जाके देखोगे ना वो 2.0 हो गई है। ये शर्म नहीं आता है? ये 13 वजह से मेरा आत्महत्या करने का टाइम आ गया है। मैं ये नहीं कहता कि टिकटॉक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है, बट आप अगर टिकटॉक पे देखोगे ना तो जितने भी कंटेंट है, इवन जो टिकटॉक जिस वीडियो को वायरल भी कर रहा है ना, वो वीडियो एकदम ही क्रिंज है, बेकार वीडियो, किसी काम का वीडियो नहीं है, बोलते ना टाइम वेस्ट वीडियो है। और मैं ये चीज पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। आपको जो टैलेंटेड वीडियोस होते हैं ना वो गिने चुने एक दो आगे तो आ गए, अदरवाइज आपको सारे जो वीडियोस दिखेंगे ना आपको टिकटॉक पे सारे बेकार मिलेंगे। इसका जो इफेक्ट है ना वो चाइल्ड पे भी गिरने वाला है, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वो सीखते हैं। और टिकटॉक पे काफी कुछ बेकार या फालतू के वीडियोस आ रहे हैं और कुछ वीडियोस ऐसे भी हैं जो बच्चों को गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं। एक वीडियो मैंने देखी थी, उसमें एक बच्चा जिसकी उम्र भी नहीं है, जिसको रोमांस का मतलब नहीं मालूम, वो एक बच्ची को अपने ऊपर रख के बोलता है कि अब मुझे बताइए कि ये हमारा जो जनरेशन आने वाला है वो क्या करेगा आगे जाके अगर ऐसी वीडियोस को देखेगा और ऐसी चीजें करने लगेगा। चिल्ड्रंस पे इसका बुरा इफेक्ट तो गिर ही रहा है, बट एक ऐसा भी वीडियो मैंने टिकटॉक वीडियो देखा जिसमें कि रेप को प्रमोट किया जा रहा है। एक तरीके से ये वीडियो ये दिखा रहा है कि उस लड़की का रेप हुआ है और इस वीडियो को काफी सारे व्यूज और लाइक्स भी आए हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये जो टिकटॉक है ये रेप को भी प्रमोट कर रहा है? और सिर्फ रेप को ही नहीं, जो टिकटॉक है ना उस पर मैंने काफी वीडियो देखे जो एनिमल्स के ऊपर भी वायलेंस कर रहे हैं। एक वीडियो देखा उसमें एक बिल्ली को उसके गले को बांध के रस्सी से लटका दिया है और एक कुत्ते को बांध के ले जा रहे हैं पानी में फेंकने के लिए। तो ये सब चीजें अच्छी नहीं है। तो ये राइट टाइम है कि हम लोग सब लोग अनइंस्टॉल करें टिकटॉक को। पहले भी टिकटॉक पे बैन करने के लिए काफी कुछ से बातें हुई थी, बट वो टाइम पे बैन नहीं हुई, बट अब मुझे लगता है कि बैन होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे ही कंटेंट इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे और लोग उसको देखेंगे और लाइक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि लोगों की मेंटेलिटी क्या होती जाएगी या होती जा रही है। टिकटॉक पे ना लोग लड़के से लड़की बहुत कन्वर्ट हुए। मुझे समझ में नहीं आता ये क्या चीज प्रमोट करना चाहते हैं। तो जो ये 14 से 24 साल के बीच के लोग हैं जो इस देश को बनाएंगे, जो इस देश को आगे ले जाएंगे, अगर वो लोग ये वीडियोस देखेंगे तो हमारे देश का क्या होगा? कि टिकटॉक के जो ऑडियंस है वो मोस्ट ऑफ 14 से लेके 24 साल के बीच वाले ही है। और मैंने काफी ऐसी वीडियोस भी देखी जो बच्चों की जो फ्यूचर है ना उसको भी पूरा खराब कर देगी। और मुझे ऐसा पर्सनली लगने लगा है कि ये चीज़ अब बंद होनी चाहिए, ताकि जो आने वाला हमारे देश का फ्यूचर है वो गलत चीज़ों में ना जाके एक अच्छी चीज़ों में जाए और कुछ अच्छा सीखे और इस देश को आगे लेके जाए। तो ये सब चीज़ें जब मैंने देखी ना मेरा तो मूड खराब हो गया। तो मैंने भी सोचा है कि आज अनइंस्टॉल कर ही दूंगा टिकटॉक को। और अनइंस्टॉल करने के पहले मैंने एक पोल रखा था, मोस्ट ऑफ क्या सभी ने मुझे बोला कि टिकटॉक को अनइंस्टॉल कर दो। तो इससे ही पता चलता है कि बहुत लोग हैं जो लोग चाहते हैं कि टिकटॉक बैन हो जाए इंडिया में। तो मैं आपको कुछ कमेंट शेयर करूंगा कि लोग क्या सोचते हैं, लोगों के दिमाग में टिकटॉक को लेके क्या थॉट्स है। तो ऐसे ही मुझे काफी कुछ कमेंट आए, काफी कुछ क्या ऑलमोस्ट सबके कमेंट आए कि टिकटॉक को अनइंस्टॉल कर दो, इसके पीछे ये रीजन है क्यों हमें टिकटॉक को अनइंस्टॉल कर देना चाहिए। उन्होंने वो पॉइंट भी रखा है और मुझे उनके पॉइंट्स भी वैलिड लगते हैं, क्योंकि मैंने पर्सनली यूज किया है टिकटॉक को और मुझे मालूम है कि टिकटॉक जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है। लोगों का टाइम वेस्ट करने के लिए चाइना ने बनाया ताकि हम इंडियंस ना फूल बने
अपने टाइम को वेस्ट करें और वो लोग आगे निकल जाए। मुझे ये नहीं समझ में आता कि सब लोगों को टिकटॉक स्टार ही क्यों बनना है या अपने बच्चों को टिकटॉक स्टार ही क्यों बनाना है। मुझे अगर बताओ सचिन तेंदुलकर क्रिकेट छोड़ के फिल्म स्टार बन जाता तो क्या हमें एक महान क्रिकेटर मिलता, या फिर लता मंगेशकर सिंगिंग छोड़ के क्रिकेट खेलती तो क्या हमें एक महान सिंगर मिलता। तो इसी तरीके से ये मत सोचो कि सिर्फ टिकटॉक पे ही फेम पाना है, टिकटॉक स्टार ही बनना है। और भी चीज़ें हैं करने के लिए, और भी चीज़ें, टैलेंट है आपके अंदर जो आपको जानने की ज़रूरत है और उसको बाहर लाने की ज़रूरत है, तो उस पर काम करो। और मैंने ये भी देखा है कि काफ़ी लोग डिप्रेस होते हैं व्यूज़ नहीं आने की वजह से या लाइक नहीं आने की वजह से। तो ये जो एप्लीकेशन है डिप्रेशन भी लेके आ रही लोगों में। और इसमें आपको मालूम है कि जो 14 से 24 साल के बीच के लोग हैं वो बहुत जल्दी अगर डिप्रेस हो जाएंगे अगर उन्होंने कुछ गलत कदम उठा लिया तो ये बहुत ही गलत बात होगी। तो ये सब पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए ना आप, मुझे ऐसा लगता ना कि टिकटॉक को बैन कर देना ही चाहिए। तो चलो अब अनइंस्टॉल करते हैं इस फालतू एप्लीकेशन को अपने मोबाइल से और क्लीन करते हैं अपने मोबाइल को। ये रहा टिकटॉक एप्लीकेशन, ये रहा रिमूव का ऑप्शन, और यहाँ पे हमारा जो मोबाइल है वो हो गया क्लीन। तो फाइनली मैंने अपने मोबाइल को भी क्लीन कर दिया है। अब से नो टिकटॉक, ओनली यूट्यूब। अब देखना ये है कि टिकटॉक कब बैन होता है इंडिया में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक दे देना, और हाँ सब्सक्राइब करो यार। मैं देख रहा हूँ कि मेरी वीडियोस तो आप लोग देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, क्यों भाई? मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है? मुझे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको टिकटॉक फेंक के मारो या कुछ भी करके मारो, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। और उसके बाद में एक बेल आइकन आएगा, वो घंटे को बजाना मत भूलना, नहीं तो आपको मेरी वीडियोस नोटिफाई नहीं होगी। और कमेंट करो कि आपका क्या ओपिनियन है, आपके क्या थॉट्स है इस टिकटॉक एप्लीकेशन के ऊपर, ताकि लोगों को भी आपका थॉट्स, आपकी ओपिनियन पता चले। तो कमेंट करो नीचे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अब मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, कोरोना से सेफ रहें और अपने घर में ही रहें। स्टे होम स्टे सेफ, टेक केयर, बाय।